गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 खातांकों के सिद्धांत एवं कड़ी को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कांसेप्ट और फार्मूले को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से कवर कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। अगर मिनिमम से मिनिमम बोला जाए तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 8 घातांकों के सिद्धांत एवं कड़ी से, जिसमें एक क्वेश्चन आपका होता है घातांक से और जो दूसरा क्वेश्चन होता है आपका कड़ी से। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कांसेप्ट के साथ-साथ इनके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट यदि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हो तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं डियर स्टूडेंट, घातांक एवं कड़ी से कहीं से भी किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाकर आपको दे दे, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। बस आपको पूरी क्लासेस अच्छी तरीके से देखना है, जितने भी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कांसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस करना क्या है आपको, क्लास को शुरू से अंत तक एक बार अच्छी तरीके से देख लेना है, उसके बाद से आपको दूसरी क्लास कोई नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि यदि पूरी क्लास आप अच्छी तरीके से देख लेते हो तो इसके अलावा आपको खातांक एवं कड़ी से संबंधित किसी भी दूसरी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से सिंपल और आसान भाषा में इस चैप्टर को कवर कराने वाला। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम आपको बेसिक फार्मूला बताते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, यदि आधार बराबर हो और गुणे के रूप में हो तो जो आपकी खाते होती हैं आपस में जुड़ जाती है। यदि आधार बराबर हो, जैसे 1 पावर m गुड़े 1 पावर n गुड़े 1 पावर p के रूप में हो, गुड़े डॉट डॉट डॉट, तो मैंने क्या बोला, यदि आधार बराबर हो और गुणा के रूप में हो तो घाते जो होती हैं आपस में जुट जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके आधार बराबर है और गुड़े के रूप में है तो घाते क्या होगी, आपस में जुट जाएंगी। यानी कि m प्लस n प्लस p के रूप में हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा घातांक का सबसे अति महत्वपूर्ण नियम है, यदि आपके आधार बराबर हो और गुणा के रूप में हो तो खाते आपस में जुड़ जाती है, ये आपके घातांक का पहला नियम। दूसरा नियम यह है डियर स्टूडेंट, यदि आपके आधार बराबर हो लेकिन भाग के रूप में, यदि आधार बराबर हो लेकिन भाग के रूप में हो तो ऐसे कंडीशन के घाते आपस में घट जाते हैं। जैसे इस रूप में दे दिया हो 1 पावर m भागा 1 पावर n के रूप में, यानी आधार तो बराबर है लेकिन भाग के रूप में है, आधार तो बराबर है लेकिन भाग के रूप में है तो घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी 1 पावर m - m हो जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट फार्मूला आपका आता है डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस तरीके से दे दिया जाए 1 पावर m अब बाहर पावर n के रूप में है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा जब भी आपका इस रूप में आपका क्वेश्चन आए तो होता क्या है, 1 पावर m और ब्रैकेट के पावर आपका n है तो ये आपका 1 पावर m गुणे n के रूप में हो जाता है। लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यदि आपका 1 पावर m पावर n है तो इन दोनों पावर का आप आपस में गुणा नहीं करा सकते। जैसे 1 पावर m पावर n है
तो इन दोनों पावर का आपस में गुणा नहीं करा सकते। गुणा तभी करा सकते हैं जब ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो, तब आप इस रूप में लिख सकते हो। ठीक बात है। नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट, जैसे आपको दे दिया है ए पे पावर एम गुणे बी पे पावर एम, तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि दोनों के पावर सेम है, दोनों के पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a गुणे b का पावर m के रूप में। जब दोनों के पावर सेम होंगे तो इसको हम a गुणे b का पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट एक कांसेप्ट और ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या पर यदि पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है, जैसे a का पावर जीरो का मान एक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, चाहे ए पे पावर जीरो हो, चाहे सौ पे पावर जीरो हो, चाहे निन्यानवे पे पावर जीरो हो, यानी कि किसी भी संख्या पर यदि पावर जीरो है तो उसका मान आपका एक होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट, यदि आपके आधार बराबर हो तो आप घातों की तुलना कर सकते हो। कब यदि आधार बराबर है तो आप घातों की तुलना कर सकते हो, जैसे आपका एक पावर एम बराबर है आपका एक पावर एम, तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि दोनों के आधार आपस में बराबर है, तो यदि आपके आधार बराबर है तो आप घातों की तुलना कर सकते हो, यानी एम बराबर आपका हो जाएगा एम। तो इस कांसेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा, यह भी अति महत्वपूर्ण कांसेप्ट है। नेक्स्ट आपका यह भी कांसेप्ट कहता है, यदि आपके घातांक बराबर है तो आप आधार की तुलना कर सकते हो, जैसे a पे पावर m बराबर आपका हो जाए b पे पावर m, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों के घातांक बराबर है, तो यदि आपके घातांक भी बराबर है तो आप आधार की तुलना कर सकते हो, यानी कि a बराबर आपका b हो जाए। तो दोनों बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यदि आपके आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर सकते हो, और यदि आपके घातांक बराबर है तो आप आधार की तुलना कर सकते हो। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जितने भी कांसेप्ट मैंने बताया कि टोटल कांसेप्ट आपके घातांक से रिलेटेड है, और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन्हीं से पूछे जाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद से डियर स्टूडेंट मैं आपको करड़े के कुछ बेसिक से नियम बताऊंगा, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, उस करड़े के बेसिक फार्मूले जो कि अति महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। तो करड़े के कुछ बेसिक फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए करड़ी होता क्या है, जैसे डियर स्टूडेंट ए पर पावर आपका रूट ओवर एक ए है, तो इसको आप क्या समझते हो, यदि आपका करड़ी की घात कुछ ना लिखा हो, यानी कि यदि यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, करड़ी की घात में कुछ ना दिया हो, तो आप क्या समझते हो कि दो दिया है, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक पावर एक बट्टे दो के रूप में, क्योंकि करड़ी की घात जब करड़ी से बाहर आती है तो बट्टे के रूप में आती है, जब करड़ी की घात करड़ी से बाहर आती है तो बट्टे के रूप में आती है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कांसेप्ट है डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस रूप में दिया है करड़ी की घात एम दिया हो और ए पावर एम दिया हो तो कैसे करोगे, तो देखो ए पावर एम तो आपका है, जो करड़ी की घात एम है जब करड़ी से बाहर निकलेगी तो किस रूप में आएगी, बट्टे के रूप में आएगी, यानी एक बट्टे एम, तो एम एम से कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ए। तो इस कांसेप्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस रूप में दे दिया हो कि करड़ी की घात एम दे दिया हो और ए इंटू बी दे दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका करड़ी की घात एम है ए का भी है और बी का भी है, जो आपका करड़ी का घात एम है ए का भी है और बी का भी है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एम रूट ओवर ए गुणे
m रूट ओवर d के रूप में, तो इस कांसेप्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका कांसेप्ट है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका कांसेप्ट है डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस रूप में दे दिया हो कौड़ी की घात m a बटे b के रूप में, यानी कि जो आपका कौड़ी की घात m है a का भी है और b का भी है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कौड़ी की घात m a बटे का कौड़ी की घात m b। तो ये जितने भी बेसिक कांसेप्ट थे घातांक एवं कौड़ी के टोटल कांसेप्ट को मैंने कवर करा दिया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा मैं वैसे वैसे आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताते चलूंगा, आपको किसी भी प्रकार का कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आपको कांसेप्ट के साथ सारी चीजों को कवर में कराने वाला हूँ। बस आप डियर स्टूडेंट ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप समझते जाइए, मैं बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में सारी चीजों को कवर कराऊंगा। डियर स्टूडेंट हमारी आप 2 से 3 क्लासेस लेकर देखिए, किसी भी चैप्टर को आप अच्छी तरीके से कवर करके देखिए, 2 से 3 क्लासेस लेकर चलिए, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मैथ में किसी भी प्रकार का दिक्कत ही नहीं आएगा। 37 से 38 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि आप पूरी क्लासेस अच्छी तरीके से देख लेते हो तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप 32 से 33 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। अब डियर स्टूडेंट जो भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लेंथी टाइप के होते हैं, हर एग्जाम में ऐसा होता है, तो इन क्वेश्चनों को आप टच मत कीजिए। टच कब करना है, जब ऐसा लगे कि हमारे पास सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टाइम बचा है तब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और बताइए डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, करणी दे रखा है, अब करणी की घात जो है वो आपका है 3, आपको दे रखा है 32 पावर 3/5 गुणे 243 पावर -3/5 243 पावर -3/5 इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। देखो कर्णी की घात आपका 3 है तो मैंने 3 ही रख दिया, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2/5 के रूप में, क्योंकि 2/5 की जो वैल्यू होती है वो आपका 32 हो जाएगा, तो 2/5 मैंने लिख दिया। अब करणी के बाहर आपका 3/5 है तो 3/5 ही रहेगा, ठीक है, गुणे 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 3/5 के रूप में। देखना 243 को लिख सकते हैं 3/5 के रूप में, ठीक है। अब बाहर पावर आपका माइनस का 3/5 है, अब देखो अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो पावर का ब्रैकेट लगा है और बाहर पावर है तो हम आपस में गुणा करा देते हैं, तो है 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर भी आप गुणा करा सकते हैं तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो मिलेगा आपको 2/3 गुणे 3/-3। तो देखो कर्णी की घात 3 है यानी कि 3 का जोड़ा बनेगा, तो 2/3 से आपका 2 मिल जाएगा और 3/-3 से आपका 3/-1 मिल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 के रूप में, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कितना सिंपल और आसान भाषा में मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को भी।
क्वेश्चन नंबर टू आपको दे रखा है इस तरीके से, आपको क्वेश्चन नंबर टू दे रखा है, ये क्वेश्चन देखना, रूट ओवर एक्स पावर चार, फिर आपका मजला ब्रैकेट है, फिर आपका है रूट ओवर एक्स पे पावर चार, फिर आपका है रूट ओवर एक्स पे पावर चार, इसका मान क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर टू में, ठीक है। देखें ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा आप राइट साइड से सॉल्व करो, एक्स पे पावर चार को जब कर्णी से बाहर निकालोगे तो क्या है, एक्स पे पावर चार को जब कर्णी से बाहर निकालोगे तो एक्स पे पावर दो हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एक्स पे पावर चार गुणे एक्स पे पावर दो। अब देखना x पे पावर चार और x पे पावर दो तो मिलकर कितना हो जाएगा, x पे पावर छः, कितना हो जाएगा x पे पावर छः, क्यों, क्योंकि आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है। अब देखो x पे पावर छः है तो करणी से बाहर कितना आएगा, यहाँ पर तो पावर दो चुका हुआ है तो x पे पावर छः है, जब करणी से बाहर आएगा तो x पे पावर तीन गुणे आपका x पे पावर चार है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, x पे पावर 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 7 बटे 2, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है, दो स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, दिया गया है 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर x धन 1 माइनस 2 पे पावर x में, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मान होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर x धन 1 2 पे पावर x धन 1 माइनस 2 पे पावर x के रूप में। कंडीशन ये है कि जो आपके x की वैल्यू है तो आपके x की वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिएगा ये 2 पे पावर x है तो 2 पे पावर x ही हम रखते हैं, देखिए 2 पे पावर x माइनस 1 को हम अलग अलग लिख देते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस का 1 के रूप में, क्योंकि यदि आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है, जब आप इसको साल करेंगे तो पुनः आपका यही हो वापस से आ जाएगा, क्योंकि आधार बराबर हो जाएंगे और घातें आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब नीचे देखिएगा 2 पे पावर x धनात्मक को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 के रूप में, अब माइनस का 2 पे पावर x के रूप में, ठीक बात है। अब देखना ऊपर में आपका 2 पे पावर x कॉमन है तो ऊपर से 2 पे पावर x कॉमन लोगे तो यहां से आपको 1 मिलेगा और यहां से 2 पे पावर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के रूप में, ठीक है। नीचे भी आपका 2 पे पावर x कॉमन है तो 2 पे पावर x कॉमन ले लो, 2 पे पावर 1 का मान 2 होता है और यहां से आपको मिलेगा 1, तो 2 में से 1 घटाओगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये 2 पे पावर x से 2 पे पावर x कैंसिल, 1 प्लस का 1/2 किसके बराबर होता है, 3/2 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यदि बेसिक से कुछ कांसेप्ट आपको पता है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 5 से 10 सेकंड लगना है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को भी बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दे रखा है, 3 * 9 पे पावर x धन 1 3 * 9 पे पावर x प्लस 1 प्लस का 9 * प्लस का 9
3 पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में आपको दे रखा है dx में 9 into 3 पावर 2x और प्लस का 9 पावर x। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो 3 है तो 3 मैंने रख दिया, अब देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के रूप में, ऑलरेडी पावर आपका x धन 1 है ये। ठीक, प्लस का इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 के रूप में, और ये आपका 3 का पावर 2x माइनस का 1 है ना, तो इसको आप 3 का पावर 2x माइनस का 1 ही रखो। अब नीचे आओ, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के रूप में, 3 का पावर 2x आपका है तो है लिख दिया। अब देखो 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मैंने लिख दिया और ऑलरेडी पावर में x है तो x लगा दिया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 2x प्लस का 2, यानी इसको हम काट पीट के हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस का 2 के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिएगा ये 3 है तो मैंने 3 रखा, 3 का पावर 2x प्लस 2 है तो इसको हम अलग अलग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2x इनटू का 3 का पावर 2 के रूप में, प्लस का ये आपका 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2x माइनस 1 को हम अलग अलग लिख सकते हैं 3 का पावर 2x इनटू 3 का पावर माइनस 1 के रूप में, क्योंकि दोनों के आधार बराबर हैं, जब खाते जोड़ोगे तो पुनः आपको 2x माइनस का 1 मिल जाएगा। मैंने इनको तोड़ करके लिख दिया है। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू को आप ध्यान से देखो, नीचे वाली वैल्यू में आपका काम क्या है 3 पे पावर 2x आपका नीचे वाली वैल्यू में काम है, तो जब नीचे से आप 3 पे पावर 2x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 1 के रूप में। ठीक बात है, अब आगे देखो ऊपर में कॉमन क्या है, अंश में कॉमन आपका क्या है, अंश में कॉमन आपका है 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 2x, तो ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं 3 का स्क्वायर इनटू 3 की पावर 2x के, तो जब 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2x कॉमन लोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 और यहां से आपको मिल जाएगा 3 की पावर माइनस 1, तो 3 पे पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 के रूप में। ठीक है, अब नीचे जाओ 3 पे पावर 2x है तो 3 पे पावर मैंने 2x लिख दिया, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 1 जोड़ दो तो बड़े आपको हो जाएगा 10, आइए देखो 3 पे पावर 2x से 3 पे पावर 2x कैंसिल। ठीक है, अब देखना ध्यान से देखो, देखो 3 का स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा 9, तो इसको मैं लिख देता हूं ना। ठीक, अब देखो 3 प्लस 1/3 कितना होगा 10/3, तो इसको मैं लिख देता हूं 10/3। ठीक, ये मैंने लिख दिया 10/3, अब 3 से काट दो 9 को तो 3 3 का 9, तो 3 गुणे 10 आपका हो जाएगा 30, और 30/10 या 10 से 10 एक काट दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3। इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देख रहे हो ना कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को भी, देखना क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि x बराबर 4 y बराबर 9 हो तो x पावर 1/2 प्लस y पावर 1/2 का मान बताना है। देखना x बराबर आपको दे रखा है 4 और y बराबर आपको दे रखा है 9, तो x पावर 1/2 प्लस का y पावर 1/2 की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो x का मान 4 है तो 4 रखो, तो 4 पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस
y की वैल्यू 9 है तो 9 का पावर आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणी 1/2 तो है ही, प्लस का 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे का 1/2 है 2 से 2 कब्जा में, ये 2 से 2 कब्जा में, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 और यहां से आपको मिल जाएगा 3, 2 और 3 जोड़ दो तो 5 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, यदि आप कांसेप्ट से किसी भी चैप्टर को कवर किए रहोगे तो किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए डियर स्टूडेंट जितने भी चैप्टर मैं कवर कराता हूं टोटल चैप्टर बिल्कुल कांसेप्ट के साथ कराता हूं, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। देखिए अगर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को भी जो कि बिल्कुल आसान है, दे रखा है 3 का पावर x धन 5 3 का पावर x प्लस का 5 बराबर 27 का पावर 2x माइनस 5 27 का पावर 2x माइनस का, इसमें आपको x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, x का मान क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 का पावर x प्लस का 5 है तो x प्लस 5 रख दो, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 के रूप में और ऑलरेडी पावर आपका 2x माइनस का 5 है। अब देखो दोनों के आधार बराबर हो, दोनों के आधार बराबर हो तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं, तो घातों की तुलना कर दो मिलेगा आपको x प्लस का 5 बराबर 3 2x माइनस का 5, तो इसी को सॉल्व कर दो तो x प्लस 5 बराबर क्या मिल जाएगा 6x माइनस का 15, तो यहां से आपको मिल जाएगा 5x बराबर 20, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी 4। इस तरीके से जो x का मान आएगा वो आपका 4 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यह भी बात सही है कोई भी क्वेश्चन आसान तब लगेगा जब पढ़े रहोगे और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहोगे तब, ऐसे ठीक है। तो हर एक चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लो। एक सिंपल सा फंडा है डियर स्टूडेंट, यदि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ने में 3 से 4 घंटा बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने में लगा देते हो और 3 से 4 घंटा पढ़ने के बाद यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होता है तो हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, यानी कि इस तरीके से उस चैप्टर को पढ़ जाएंगे तो उस चैप्टर से कहीं से भी किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले आपसे छूटना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हो कि चलो जल्दी जल्दी में 1-2 घंटे में हम खत्म कर देते हैं एक चैप्टर को, तो चैप्टर तो 1 से 2 घंटे में खत्म कर दोगे, लेकिन यदि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपसे सॉल्व भी नहीं होगा और कंफ्यूजन भी बना रहेगा, और जो क्वेश्चन आप 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लग जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम क्यों ना दिया जाए, यानी इस तरीके से आप पढ़ जाइए उस चैप्टर को कि आपको उस चैप्टर से कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले छूटे नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा बिल्कुल शानदार तरीके से किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो बिल्कुल शानदार तरीके से कवर कीजिए, इस तरीके से कवर कीजिए, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि उस चैप्टर से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को भी बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आपको दे रखा है x प्लस y प्लस z और नीचे में आपको दे रखा है x इनवर्स y इनवर्स प्लस y इनवर्स z इनवर्स प्लस का z इनवर्स x इनवर्स, इसका मान क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो ऊपर आपका x प्लस y प्लस का z है तो x प्लस y प्लस z ही रखो, x इनवर्स y इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बटे
ऊपर वाली वैल्यू आप वैसे ही नोट कर दो x plus y plus z। अब देखो नीचे भी आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपको मिलेगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम निकालोगे तो एक्स वाई जेड आएगा। तो यहां से जब एक्स वाई से एक्स वाई जेड में भागोगे तो मिलेगा यहां से जेड, और जब वाई जेड से एक्स वाई जेड में भागोगे तो एक्स मिलेगा, और जब जेड एक्स से एक्स वाई जेड में भागोगे तो वाई मिलेगा। देखो x plus y plus z, x plus y plus z से कैंसिल आउट होगा तो फाइनली आपको मिल जाएगा x y z। इस तरीके से लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान होते हैं, बस आपको उनके कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को भी बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में इसको भी मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है समीकरण 2 के पावर x plus 1 बराबर 4 के पावर y plus 2 तथा 3 के पावर x minus 2 बराबर 9 के पावर 2y minus x में x और y की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, यानी कि x और y के मान आपको बताना है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8 को ही, दे रखा है 2 के पावर x धन 1 2 के पावर x plus 1 बराबर 4 के पावर y धन 2 4 के पावर y plus 2, और जो दूसरा संबंध दे रखा है 3 पे पावर x माइनस 2 3 पे पावर x माइनस 2 बराबर आपको दे रखा है 9 पे पावर 2y माइनस 6 9 पे पावर 2y माइनस का x। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 पे पावर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को पावर 2 के रूप में, और बाहर पावर आपका y है तो यहां से आपको मिल जाएगा। अब देखो दोनों के आधार बराबर होंगे तो घातों की तुलना कर दो तो x प्लस 1 बराबर आपको मिल जाएगा 2y प्लस का 2, तो 2 का गुणा भी करा दो तो 2y प्लस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां से मिल जाएगा आपको x माइनस का 2y बराबर 3 रूप में, इसको आप मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब बात आती है इसका, तो 3 पर पावर x माइनस 2 है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बाहर पावर का 2y माइनस x है, दोनों के आधार बराबर हो गए तो घातों की तुलना कर लो तो x माइनस 2 बराबर इस 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो 4y माइनस का 2x मिल जाएगा। अब देखो ये 2x इधर आएगा तो 3x माइनस का 4y बराबर 2 मिल जाएगा, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकालोगे समीकरण 1 से तो मिलेगा आपको 2y plus का 3, x की वैल्यू समीकरण 1 से निकालोगे तो मिलेगा आपको 2y plus का 3, तो x बराबर 2y plus 3 समीकरण 2 में रख दो, x बराबर 2y plus 3 समीकरण 2 में हम रखते हैं तो देखो 3 है तो 3 रख दिया, x की जगह पर 2y plus 3 तो यहां पर मैंने रख दिया 2y plus का 3, और ये आपका माइनस का 4y है और बराबर में आपका 2 है, इसको आप सॉल्व कर लो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 6y प्लस का 9 माइनस का 4y बराबर 2। ठीक, अब देखना 6y में से 4y घटाओगे तो 2y मिलेगा, और जब 9 आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस का 9 होगा, अब माइनस के 9 में से 2 घटेगा तो माइनस का 7 होगा, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7/2, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7/2।
तो y की वैल्यू आप -7/2 यहां पर, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखना x बराबर 2, y की वैल्यू हम रखेंगे -7/2 अब +3। अब देखो ए दो से दो कैंसिल होगा, -7 में से 3 हटाओगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा 4। इस तरीके से एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -7/2 आ जाएगा। देखो किस ऑप्शंस में दिया है, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -7/2, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही मिला है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा कि आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को भी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, 3 पावर 2x भागा 9 पावर y बराबर आपको 27 दे रखा है, 4 पावर x धन 1 बराबर 8 पावर y धन 1 में x की वैल्यू ज्ञात करना है, केवल और केवल x की वैल्यू। तो देखो कैसे दे रखा है, 3 पावर 2x भागा 9 पावर y बराबर भागा 9 पावर y बराबर 27 दे रखा है, ठीक है। और जो दूसरा संबंध दे रखा है 4 पावर x प्लस 1 बराबर 8 पावर y धन 1, 8 पावर y धन 1, इसमें आपको x की वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 पावर 2x है तो 3 पावर 2x बराबर 9 पावर y है तो 9 पावर y को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब बाहर आपका y है 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3 के रूप में। अब देखो मैंने आपको बताया था यदि आधार बराबर है और भाग के रूप में है तो घाते घट जाते हैं, यदि आधार बराबर है और भाग के रूप में है तो घाते घट जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के आधार बराबर है भाग के रूप में है तो घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। चार को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 के रूप में और बाहर पावर आपका x प्लस 1 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 के रूप में और बाहर पावर आपका y प्लस 1 है। अब देखो दोनों के आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना कर दो तो 2x प्लस 1 बराबर 3y प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा 2x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 3। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 2x माइनस का 3y बराबर 1 मिल जाएगा, इसको हम मान लो समीकरण 2। आपको केवल और केवल x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से समीकरण 2 से आप क्या निकाल सकते हो, समीकरण 2 से सब x की वैल्यू से मतलब है ना। तो यहां से हम करते क्या हैं, देखो क्या करते हैं, ठीक है, y के टर्म में मैं नहीं लेते, मैं x के टर्म में लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3y बराबर क्या मिलेगा, चलो हल कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 के हम हल कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखना, यहाँ से आपका समीकरण 2 से यदि ध्यान से देखोगे तो 2x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 प्लस का 3y। समीकरण 2 से 2x की वैल्यू क्या मिलेगा, 2x की वैल्यू आपको मिलेगा 3y प्लस का 1। समीकरण 2 से 2x की वैल्यू 3y प्लस 1 मिलेगा। अब 2x बराबर 3y प्लस 1 समीकरण 1 में रख दो, तो जहां 2x है यहां पर हम क्या रखेंगे 3y प्लस का 1, अब माइनस पर 2y है ही बराबर आपका हो जाएगा 3।
देखो तीन वाई में से दो वाई हटाओगे तो वाई बचेगा, और तीन में से हरी एक हटाओगे तो दो मिलेगा, यानी वाई की वैल्यू आपने निकाल लिया दो, वाई की वैल्यू आप निकाल लिया दो। अब वाई का मान यहाँ पर रख दो, तो वाई का मान दो रखोगे तो तीन दूना छह और एक सात, यानी हरी जो पूरा वैल्यू है सात हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितना मिल जाएगी, सात बट्टे का दो। इस तरीके से एक्स का जो मान आएगा वो आपका सात बट्टे दो आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी साथ कर दिया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप ध्यान से देखिए। अभी तक डियर स्टूडेंट मैंने टोटल सात चैप्टर बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करवा दिया है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो चार, चैप्टर नंबर जो चार है, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, जिससे कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर से को उठा करके देख सकते हैं, कभी भी बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो केवल उस चैप्टर को मैंने नहीं पढ़ाया है। नहीं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 केवल चार चैप्टर ड्राफ्ट किया है, 5, 6, 7 पूरी शानदार तरीके से क्लियर करा दिया है। यदि अभी तक आपने पिछली चैप्टर को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने सारे चैप्टर को कवर कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बाबू, रूट ओवर एक्स का पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर गुणे गुणे में दे रखा है कर्णे की घात 4 और दे रखा है एक्स का पावर 8 इंटू वाई का पावर माइनस का 16। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो देख यहाँ पर कर्णे की घात 2 है, तो x पावर 4 से क्या मिलेगा, x पावर 2 और x y पावर 2 से आपको मिल जाएगा y। ठीक है, यहाँ पर कर्णे की घात 4 है, यानी 4 4 का जोड़ा बनेगा, तो x पावर 8 से x पावर 2 मिलेगा गुणे y पावर माइनस 16 से आपको क्या मिलेगा, y पावर माइनस का 4, क्योंकि 4 4 का जोड़ा बन रहा है। तो देख रहा x स्क्वायर y गुणे y का पावर माइनस का 4 है, तो इसको नीचे लेकर आओ तो y का पावर 4 हो जाएगा, एक y से एक y यहाँ काटोगे तो पावर 3 बचेगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा x का पावर 4 बटे का y का पावर 3। इसको आप क्या लिख सकते हो, x का पावर 4 y का पावर माइनस 3 के रूप में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा रियल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा रियल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को भी, आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है। दीपावली का सीजन है, यानी दीपावली का मौसम है, तो इधर उधर पटाखे छुरछुरिया जलती रहेगी, तो इन चीजों को आप साइड में रखते हुए एंजॉय कीजिए, लेकिन पूरा टाइम आप बंद दीजिए, कुछ टाइम एंजॉय कीजिए और पढ़ाई को भी आप ध्यान में रखते करिए। ठीक है, त्योहार तो आपके आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को भी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, ध्यान से देखना, कौड़ी की घात 3 है और x का पावर आपका है 0, गुणे आपको दे रखा है x का पावर माइनस का 6, भागा आपको दे रखा है एक्स का पावर 3 पावर 2, इसका मान क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, एक्स का पावर 7 है, तो लो भैया एक्स का पावर 7 में नहीं लिखेंगे, कौड़ी की घात आपका 3 है, कौड़ी की घात आपका 3 है, जब बाहर आएगी तो बट्टे के रूप में आएगी, एक्स पावर 7 बट्टे 3 हो जाएगा,
आपका x पावर माइनस का 6 हो जाएगा, ये आपका भाग है तो भाग लगा दिया, लोग लिया x पर पावर है यानी 3 पर पावर 2 का मान कितना होगा 9, यानी x पर पावर आपका मिल जाएगा 9। ठीक, अब देखिए दोनों के आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी x पर पावर 7/3 माइनस का 6 हो जाएगा, भागा आपका हो जाएगा x। पावर 7/3 माइनस का 6 दोनों के आधार बराबर है और भाग के रूप में, दोनों के आधार बराबर है और भाग के रूप में है तो घातें क्या हो जाएंगी घट जाएगी, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, x पावर एलसीएम आएगा आपका 3, तो 7 माइनस का 18 माइनस का 27, तो 27 और 18 कितना होता है 45, यानी माइनस 45 में से 7 लगाओगे तो माइनस का 38 मिलेगा, यानी x की पावर माइनस का 38/3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल कांसेप्ट के साथ बताने वाला हूं और बता भी रहा हूं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको बार-बार बोलता हूं डियर स्टूडेंट कि प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल आप कांसेप्ट से पढ़िए, जिससे आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार कांसेप्ट से पढ़ लोगे ना तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा उस चैप्टर में। देखना क्वेश्चन नंबर 12 को भी, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, यदि a की पावर x भागा a की पावर x माइनस 3 बराबर 27, तो a की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। दोनों के आधार बराबर है और भाग के रूप में है, दोनों के आधार बराबर है भाग के रूप में है तो घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी, यानी कि e पावर x माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 3 बराबर 3 की पावर 3। अब देखो घातें आपस में बराबर है, यानी कि दोनों की घात आपस में बराबर है तो हम आधार की तुलना कर सकते हैं, तो a बराबर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक में मिसिंग है, इसलिए हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को भी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, ये भी ध्यान से देखना। रूट ओवर एक्स पर पावर 4 ऐसे दे रखा है, 3 रूट ओवर एक्स पर पावर 4 और आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट भाग कौड़ी की घात 6 और दे रखा है x पावर आपका है माइनस का 1, इसकी वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 14 को भी। ठीक, देखो देखो x पावर 4 तो आपका है ही, जब कौड़ी की घात 3 आपका कौड़ी से बाहर आएगा तो बट्टे के रूप में आएगा, यानी 4/3 हो जाएगा भागा। यहाँ पर x कौड़ी की घात 6 है, जब कौड़ी की घात कौड़ी से बाहर आएगी तो 1/6 आएगा, अब बाहर पावर आपका माइनस का 1 है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो, ठीक है ध्यान से देखो, x पर पावर 4/3 तो है, ठीक भागा भागा x को पावर 1/6 का गुणे माइनस 1 में कराओगे तो x को पावर माइनस का 1/6 मिल जाएगा। अब देखो दोनों के आधार बराबर है लेकिन भाग के रूप में है,
दोनों के आधार बराबर है लेकिन भाग के रूप में है तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी x पावर 4 बटे 3 माइनस माइनस का 1 बटे 6। बहुत सारे स्टूडेंट यह गलती करते हैं, डायरेक्ट माइनस का 1 बटे 6 कर देते हैं, लेकिन दोनों के आधार बराबर है भाग के रूप में है तो एक आपका फार्मूले से माइनस आएगा और ऑलरेडी आपका माइनस दे रखा है। ठीक है, देखो तो x पावर क्या हो जाएगा, यह माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी 4 बटे 3 प्लस का 1 बटे 6 हो जाएगा। तो x पावर 6 आपका ऐसे आएगा, 4 प्लस का 3 गुना कितना होगा, 4 प्लस का कितना होगा यार, यहाँ पर 3 गुना 6 यहाँ पर 4 गुना 8 होगा ना, 8 प्लस का ये होगा, यानी x पावर आपको मिलेगा 9 बटे 6। कैंसिल आउट कर दो तो 3 से तो 3 3 का 9 3 गुना 6 यानी x पावर मिलेगा आपको 3 बटे 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते जाइए। डियर स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन लेना इतने बड़े सौभाग्य की बात है डियर स्टूडेंट, यदि आपका एडमिशन आईईआरटी कॉलेज में हो जाता है, यदि आप एवरेज स्टूडेंट की तरह भी पढ़ाई कर लेते हो 3 साल, तो 100% गारंटी के साथ जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपका 25,000, यानी कि जो पैकेज होगा 3 लाख पर एनम होगा। इस बात को आप देख सकते हैं, जो भी पिछले हमारे स्टूडेंट है उनसे आप बातें कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, बहुत शानदार पैकेज चलता है आईआरटी कॉलेज का। तो इस जो मौका आपको मिला है आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए, बिल्कुल समय को ना बर्बाद करते हुए, बिल्कुल यह ना आपको सोचना पड़े कि मेरा दोस्त का तो आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा नहीं हो पाया, तो इन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप तैयारी कीजिए कि आपका 100% सिलेक्शन के साथ साथ टॉप 100 रैंक के अंदर आपका रैंक आए, इस तरीके से आपको तैयारी और रणनीति बना के रखना है। तो देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को बिल्कुल शानदार तरीके से मैं इसको भी कवर कराता हूँ। पिछले साल डियर स्टूडेंट करीब 150+ स्टूडेंट का मैंने सिलेक्शन करवाया है और कुछ स्टूडेंट का मैंने रिजल्ट भी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हो कि कितने रैंक पर कौन सी ब्रांच मिली और उनका रैंक कितना था, कितने रैंक पर कौन सी ब्रांच मिली, सारी चीजों के बारे में आप बिल्कुल क्लियरिफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट का ऑलरेडी रिजल्ट भी डाल रखा है, कुछ स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू भी डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ से तैयारी करें, सारी चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने काउंसलिंग कैसे होती है सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मतलब हर एक चीजों के बारे में आपको यहाँ से मिलने वाला है। मैं आपको तैयारी के साथ साथ कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है कि आपको मनचाहा ब्रांच मिल जाए, सारी चीजों को मतलब एक स्टेप से 0 से लेकर 0 लेवल तक मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी आपको आईईआरटी इंटेंसिव का तैयारी के साथ साथ आपको स्कूल में बैठा कराऊंगा कि हाँ लो आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी तरीके से तैयारी की आपने, मेहनत किया, आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कितने का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, सारी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको हर एक तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और किया भी है 2023 में। आप जो भी हमारे पिछले स्टूडेंट हैं उनसे आप बातें कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को भी दे रखा है, 2×4⁻⁶ × 2×4⁻⁴
2n माइनस के, 2n माइनस का ए डिवाइडेड बाय 4 गुणे 2 की पावर 2n, 4 गुणे 2 की पावर 2n माइनस 4 गुणे 2 4 की पावर n माइनस 1, 4 पावर n माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है, इसका सर देखो 2 है तो बाबू 2 रखो, ठीक है, या कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो तो आसान हो जाएगा ना, चलो कर लेते हैं, ठीक है। देखो 4 है तो 4 हम कह ले सकते 2 पे पावर 2 की रूप में, और ऑलरेडी पावर आपका n धन 1 है प्लस का, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 2 की रूप में, 2 पे पावर 2n माइनस का 1 है नीचे, हम 4 को कह ले सकते 2 का पावर 2 की रूप में, ये 2 का पावर 2 या ना का है माइनस का, इस 4 को लिख दो 2 का पावर 2 की रूप में, इस 4 को आप लिख दो 2 का पावर 2, और ऑलरेडी पावर आपका n माइनस 1 है, ठीक है। अब देखना ये आपका 2 है तो 2 रखो, यहां पर 2 इस 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2n प्लस का 2, अब प्लस का 2 पावर 2 आपका है कि ये देखिए 2 पावर 2n, 2 पावर 2n माइनस का 1 है जो 2 भैया 2n माइनस का 1 होगा, नीचे देखो 2 पावर 2 इनटू 2 पावर 2n, अब देखो माइनस 2 पावर 2 इनटू 2 पावर, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। अब देखो 2 है तो मैंने 2 रख दिया, 2 पर पावर 2n प्लस 2 है, 2 पर पावर 2n प्लस 2 है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2n इनटू 2 पर पावर 2 के रूप में, क्योंकि जब आधार बराबर होती है तो घाते जुड़ जाती है, जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो फिर ये ही मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर आओ तो आपका है प्लस का 2 पावर 2 2 पावर 2n माइनस 1 को हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पावर 2n इनटू 2 पावर माइनस का 1 अपर टेबल, नीचे ले आओ 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2 लिख दिया इनटू 2 पावर 2n है तो 2 पावर माइनस 2n लिख दिया, माइनस माइनस 2 पावर 2 है 2 पावर 2n माइनस 2 को आप अलग अलग लिख दो तो हो जाएगा आपका 2 पावर 2n इनटू 2 पावर 2, ठीक है, 2 पावर माइनस का 2, ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो ऊपर में आप कॉमन क्या ले सकते हो, ऊपर में आप 2 पावर 2n इनटू 2 पावर 2 कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर से कॉमन ले लो 2 पावर 2n इनटू 2 पावर 2, ठीक है, तो जब 2 पावर 2 n इनटू 2 पावर 2 उधर इधर से जब कॉमन लोगे तो यहां से 2 मिलेगा, और यहां से जब 2 पावर 2 इनटू 2 पावर 2 n कॉमन लोगे तो 2 पावर माइनस 1 मिलेगा, 2 पावर माइनस 1 को हम ले सकते हैं 1/2 के रूप में, ठीक है। अब देखो नीचे में कॉमन क्या है, 2 पावर 2 n इनटू 2 2 पावर 2 n और इनटू 2 पावर 2 नीचे भी कॉमन है, तो नीचे भी आप कॉमन ले सकते हो 2 पावर 2 n इनटू 2 पावर 2 के रूप में, तो नीचे क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा 1 और यहां से आपको मिलेगा 2 पावर माइनस 2, 2 पावर माइनस 2 को आप ले सकते हो 1/4 के रूप में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 पावर 2 n इनटू 2 पावर 2 है यार, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो ऊपर आपको मिल जाएगा कितना, ऊपर आपको मिल जाएगा 5/2, और नीचे देखो 4 और 4 4 में से 3/4, ठीक है। अब देखो 4 बच्चे 20/6, 4 बच्चे 20/6, 20/6 कितना होगा 10/3 होगा, तो देखो 10/3 के हिसाब से हमने लिया है, फाइनल आपका 10/3 आंसर आएगा, क्योंकि 4 का गुणा 5 में होगा 20, और 20/6 को आप क्या लिख सकते हो 10/3,
इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कांसेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखना डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 16 को भी तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को भी बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कवर कर रहा हूं। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 16 को। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि m पे पावर n बराबर आपको 25 दे रखा है तो n पे पावर n की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है तो ध्यान से देखो आपको दे रखा है m पे पावर n बराबर 25। क्या दे रखा है m पे पावर n बराबर दे रखा है 25। तो आपको m पे पावर m की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू m पे पावर m की वैल्यू बताना है। तो देखो m पे पावर n को m पे पावर n 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब दोनों का जब आपस में तुलना कराओगे तो m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 मिलेगी। यानी तुलना कराने पर m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। अब n पे पावर m का मान निकालो तो n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 5 तो 2 पे पावर 5 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 32। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान लगेगा हलवा लगेगा। देखना ध्यान से कैसे क्वेश्चन नंबर 17 जैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन ध्यान से देखो आपको क्या दे रखा है x पे पावर y बराबर आपको दे रखा है y पे पावर x। ठीक है आपको बताना है x बटे y पे पावर x अपान y x बटे y पे पावर x अपान y की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है देखना ध्यान से हमको यहां से यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। देखो सबसे पहले हम करते क्या है डिवीजन ऑफ पावर में y से भाग देते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है पावर में हम y से भाग देते हैं। तो जब पावर में y से भाग दोगे तो यहां से आपको मिलेगा x और यहाँ के पावर में आप जब y से भाग दोगे तो y पे पावर x अपान y मिलेगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया पावर में y से भाग दिया तो यहाँ से आपको x मिलेगा यहाँ से आपको y पे पावर x अपान y मिलेगा। ठीक है अब देखो हमको x बटे y पे पावर x अपान y चाहिए तो करते क्या है x पे पावर x अपान y से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में x पावर x अपान y से भाग दे देते हैं। x पावर x अपान y से दोनों पक्षों में कहीं भाग दे दिया तो यहाँ पर देखो दोनों के आधार बराबर है। इसका पावर तो एक है दोनों के आधार बराबर है लेकिन भाग के रूप में तो घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी। यानी x पावर 1 माइनस का x अपान y हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखो दोनों के घाते आपस में बराबर दोनों की घाते आपस में बराबर है और भाग के रूप में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जब दोनों की घाते बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं y बटे x पे पावर x अपान y के रूप में। ठीक क्योंकि दोनों की घाते बराबर थी तो मैंने y बटे x पावर x अपान y लिख दी है। इसको यदि आप अलग अलग लिखना चाहोगे जैसे जो आपका x अपान y है y का भी पावर है और x का भी पावर है तो y की पावर x अपान y बटे x पावर x अपान y गुना हो जाएगा। ठीक है आपको चाहिए x अपान y x अपान y लेकिन ये तो आपका y बटे x पावर x अपान y यानी उल्टा है तो इसको हम पलट देते हैं। तो पलटे के तो होगा क्या जो आपका पावर प्लस में है वो आपका माइनस हो जाएगा। इसको हम पलटेंगे y बटे x को यदि हम x बटे y बनाना चाहें तो जो आपका पावर है ना वो माइनस हो जाएगा। तो x का पावर 1 माइनस का x अपान y पावर को हम पढ़ लेते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं तो पावर माइनस में हो जाएगा। यानी x बटे y पे पावर
आपका माइनस का एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो पहुंच गए, यहां पर जो पावर है प्लस भी एक्स अपॉन वाई है, लेकिन यहां पर पावर जो है वो आपका माइनस भी एक्स अपॉन वाई है। तो पावर को प्लस बनाने के लिए करते क्या है, दोनों पक्षों में पावर में हम माइनस से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में हम पावर में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये पावर आपका प्लस हो जाएगा। और जब इस पावर में माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का एक हो जाएगा और ये आपका प्लस का एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। यानी कि आपको एक्स अपॉन वाई के पावर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स पे पावर एक्स अपॉन वाई माइनस सी, क्या मिलेगा, एक्स पे पावर एक्स अपॉन वाई माइनस का ए। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने कितना सिंपल और आसान भाषा में क्वेश्चन नंबर 17 को आपका क्लियर कराया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट आपको मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करा दूंगा, बस 5 मिनट और आप समय दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करा देता हूँ। फिर जो आपके बचे 15 क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। तो लास्ट के 5 मिनट और आपका चाहिए, उसके बाद से सारे जो बचे क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को भी, एक्स पावर माइनस का 4/3 प्लस एक्स पावर माइनस का 2/3 बराबर 12 दे रखा, क्या दे रखा है, एक्स पावर माइनस का 4/3 प्लस एक्स पावर माइनस का 2/3 बराबर आपको 12 दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है वास्तविक मूल क्या। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करके बताओ वास्तविक मूल क्या होंगे, यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे, देखने में तो कितना लेंदी और कठिन लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी चेक करो, फिर ऑप्शन नंबर बी चेक करो, फिर ऑप्शन नंबर आप ए चेक करो, फिर ऑप्शन नंबर डी आप चेक करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो चाहे तो आपके ऑप्शन नंबर सी होते हैं या तो आपके ऑप्शन नंबर बी होते हैं। यदि आपका सी और बी नहीं होगा तो ए होगा, उसके बाद से डी हो। तो कभी भी आपको ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, फिर बी को चेक करेंगे, फिर ए को चेक करेंगे, फिर डी को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने की आपकी जिम्मेदारी है, आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका वास्तविक मूल क्या होगा। करना कुछ नहीं है आपको, चारों ऑप्शन से x की वैल्यू लग करके सेटिस्फाई करा देना है, जो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दे रखा है 256 का पावर 0.06 256 का पावर 0.19। ठीक है, इसका मान क्या है ये आपको बताना है। तो देखो 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को हम लिख सकते हैं 2^8 के रूप में। देखो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 64 × 128 और 128 × 256 होता है, यानी कि हम 256 को 2^8 के रूप में लिख सकते हैं और बाहर पावर आपका 0.06 है। इस 256 को भी हम 2^8 के रूप में लिख सकते हैं और बाहर पावर आपका 0.19 है। अब देखो इस पावर का इस पावर में मल्टीप्लाई कराओ तो 2^0.48 मिलेगा, 8×6 = 48 होता है। ठीक है, गुणे इस 8 का 19 में गुणा कराओ तो 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे आपका होता है 152। कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक पे। तो लो भैया 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। ठीक,
अब देखो दोनों के आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आपका 0.48 प्लस का 1.52, ठीक है। तो 0.48 और 1.52 जोड़ोगे तो 2 पावर 2 आएगा और इसकी वैल्यू होती है 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 20 को भी, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है 1 पावर x + 3 1 पावर x + 3 बटे का 5 पावर -1 जो है 5 पावर -1 प्लस का 3 × 3 पावर -2 3 × 3 पावर -2 माइनस का 8/15 पावर माइनस का, इसका मान आपको बदलना है। तो देखो यहां पर चाहे x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, यहां पर चाहे आपकी x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, इस पूरी वैल्यू का मान एक ही होगा, क्योंकि 1 पावर चाहे 100 कर लो, चाहे 1 पावर 5 कर लो, चाहे 1 पावर 500 कर लो, या 1 पावर 5000 कर लो, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक ही होगी। यानी इस पूरी वैल्यू का मान एक ही होगा, क्योंकि 1 की पावर के रूप में हो तो 1 का पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान एक ही होता है, ठीक है। अब देखो 5 इनवर्स है तो 1/5 हो जाए, देखो प्लस का ये 3 है तो 3, 3 पावर -2 है तो इसमें क्या लिख सकते 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 3 से 3 काट दो माइनस का 8/15 का इनवर्स है, 8/15 का इनवर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं तो 15/8 हो जाए, ठीक। 8/15 का इनवर्स है तो इसको उल्टा करोगे क्या होगा, 1/8/15 तो फिर आप सीधा करोगे तो 15/8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 8/15 का इनवर्स को हम 15/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1/ नीचे आपको मिलेगा 1/5 प्लस का 1/3 और माइनस का 15/8। अब देखो 1/5 और 1/3 को हम साफ कर लेते हैं, लो भैया साफ कर लेते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 15, 5 × 3 = 15 यानी यहाँ पर मिलेगा 3, 3 × 5 = 15 यानी यहाँ पर मिलेगा 5, माइनस का आपका 8/15 सॉरी 15/8 है, गड़बड़ मत करो, ये 15/8 आपका है। अब देखो ये 15 आपको ऊपर जाएगा तो 15/8 माइनस का 15/8 यानी फाइनली कट करके 0 हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह अभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है घातांकों के सिद्धांत एवं प्रमेय की बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सार। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट या कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके हर सवालों का जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से दे दूंगा। थोड़ा सा भी डियर स्टूडेंट आप हेजिटेशन मत कीजिएगा, चाहे आप अपना बड़ा भाई समझते हो या अपना सहपाठी समझते हो या अपना दोस्त समझते हो या एज ए टीचर उनको समझते हो, तो किसी भी भाषा में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, आप अपने कंफ्यूजन को। डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।